मैं हूं अरविंद सागर, आप देख रहे हैं जनवाद टाइम, सच के साथ एक कदम। आज पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी क्षेत्र में बैंक खातों से लाखों रुपए गायब, साइबर क्राइम से खाता धारकों में मची खलबली। बैंक खातों से घर बैठे पैसे निकलने के मैसेज आने पर खाता धारकों के उड़े होश। बैंक साइबर क्राइम के शिकार खाता धारकों ने संबंधित थाना नंदनगरी में किया शिकायत। देखते हैं संवाददाता अरविंद सागर के साथ कैमरामैन पलक सागर की रिपोर्ट। आइए हम बात करते हैं, कुछ लोग हैं जो दिल्ली के अंदर और ये थाना नंदनगरी में हम खड़े हुए हैं, जो ये अपनी शिकायतें लेकर आए हैं कि इनके एटीएम से पैसे निकाले गए हैं और इन लोगों को पता भी नहीं है कब निकल गए पैसे। इन लोगों के पास जैसे मैसेज आया तब ये लोग हरकत में आए और ये पता चल रहा है कि काफ़ी ये जो गैंग है और आप आज दिल्ली के अंदर कई लोगों के अकाउंट से पैसे निकाले गए। आइए हम खुद ही इनसे बात करते हैं जो लोग पीड़ित हैं और ये बताएंगे। सर आपका शुभ नाम क्या है? संजय कुमार आर्या। अच्छा सर, आपके साथ वारदात क्या हुई और कब हुई? आज शाम को 5:10 पर मेरे पास मैसेज आया जी पैसे कटने का। मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये कट चुके थे। अच्छा, कौन सी बैंक का अकाउंट था? SBI यमुना विहार। अच्छा। और HDFC बैंक के ATM से मेरे पैसे कटे हैं। मैंने 100 नंबर पर कॉल किया जी, अपना जो है ATM बंद कराया जी। अभी मैं थाने में FIR कराने आया हूँ और मैंने FIR करा दी है। तो इन्होंने क्या कहा है अभी थाने वालों ने? अभी थाने वालों ने बोला है कि अभी इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी करेगा बैंक करेगा। साइबर सेल करेगी। साइबर सेल के पास जाइए आप, अब देखते हैं कल साइबर सेल के पास जाते हैं वहाँ क्या होता है, हमारे पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते। आज हमारे एरिया में एक नहीं दो नहीं लगभग 20 वारदात हुई हैं। 20 वारदात हुई पूरे नंदनगरी क्षेत्र में। अच्छा, तो ये नंदनगरी क्षेत्र हुई, तो अभी जो आपकी जो FIR हुई है या NCR काट के दी है? मतलब कंप्लेंट पर NCR काट कर दी है, अभी FIR रजिस्टर्ड नहीं हुई है। अच्छा, और हम बताते हैं ये दूसरे पीड़ित है, ये आपका शुभ नाम क्या है? रंजीत जी। देखिए हम इनसे रंजीत जी से बात करते हैं, ये बताएंगे अपनी आप भी थी ये मेरे PNB बैंक से 40,000 रुपए कटे। 40,000 और अभी ये शाम की बात है। अच्छा, 7 बजे की और 8 बजे की। ये मैसेज कब आया आपके पास? ये आया तकरीबन 8:30 बजे। 8:30 बजे जी। तो फिर आपको जो जैसे कि आप जैसे ही आपको पता लगा तो आपने क्या किसी को सूचना दी? सूचना बस अपने साथ के कुछ बंदों को बताया और फिर सीधा यहाँ आके FIR करें। तो अभी FIR हुई है या मतलब आपको? आपके साथ क्या वारदात हुई, आपका शुभ नाम क्या है? सर ने मेरा नाम अश्विनी कुमार नाम है। अच्छा अच्छा। सुबह मैं ऑफिस टाइम था तो मेरे पास पहला मैसेज जो आया, ICICI में मेरा अकाउंट है जी। तो लगभग उसमें से 60,000 रुपये थे जिसमें 20,000 रुपये करके 3 बार में निकाल लिए गए। ठीक है, मैं यहाँ पे थाने में आया, पर नज़दीकी तो FIR कराने आया, तो FIR तो इन्होंने नहीं, उन्होंने कोई DD नंबर मतलब NCR बता रहे कराए। तो यहाँ तो मतलब जैसे कितने लोग हैं आप लोगों के साथ जो वारदात हुई? हाँ सर, आज कंप्लेंट आई है, कम से कम नहीं तो 20 से 25 लोगों के बता रहे हैं कि लोगों के अकाउंट में से पैसे निकाले गए। उसके अलावा भी मेरा दूसरा अकाउंट था केनरा बैंक में, उसमें 36,000 रुपये फिर शाम के टाइम 5:30 पे फिर पैसे निकाले गए। तो लगभग 96,000 रुपये मेरा निकल चुका है अकाउंट से। देखिए ये जो है ना, ये लोग बता रहे हैं किसी के 10,000 रुपये निकले हैं, किसी के 20,000 रुपये निकले। ये भाई हैं, इनके जो है ना 96,000 रुपये, मान के चलिए 1,00,000 रुपये के करीब निकल चुके हैं और ये जो है ना अपनी शिकायत लेके आए। हालांकि पुलिस ने इनकी जो शिकायतें सुन ली है और ये बोला है कि मतलब हम 24 घंटे के बाद जो है साइबर क्राइम देखेगा। तो आप जो है ना अब आप कहाँ जाएंगे? सर साइबर क्राइम हमको बताया गया है कि यहाँ पे आप साइबर सेल चाहिए, थोड़ा वहाँ पे थोड़ा जल्दी सुनवाई होगी। हाँ मतलब थैंक यू। हमने इन लोगों से बात की और इन्होंने बताया है अब ये जाएंगे, कल बैंक भी जाएंगे और साइबर क्राइम जाएंगे, तो वहाँ जाके अपनी शिकायत करेंगे। और देखिए दिल्ली के अंदर किस तरीके से ये जो गैंग पनपा हुआ और ये बता रहे हैं कि कम से कम आज सैकड़ों लोगों के साथ आज दिल्ली के अंदर ये वारदात हुई है। ये सब बता रहे हैं कि जो ऐसे लोग जो है ना दिल्ली के अंदर बता रहे हैं कि काफ़ी दिन से ये हरकतें चल रही हैं और बहुत लोग सामने आ रहे हैं, हो सकता है कल तक और भी लोग सामने आ सकते हैं। देखिए मैं दिल्ली से अरविंद सागर, कैमरामैन पलक के साथ जनवाद टाइम्स दिल्ली।